मूवी के स्टार्टिंग में हम एक कपल्स को देखते हैं जो पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। जीन पॉल एक राइटर होता है और मैरियन ने अपनी जॉब जीन के लिए छोड़ दी होती है। ये दोनों 2 साल से साथ में होते हैं और अभी ये अपने फ्रेंड के विला में छुट्टियां मनाने के लिए आए हुए हैं। ये दोनों लोग जब रोमांस कर रहे होते हैं तभी उन्हें फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। मैरियन जाकर कॉल रिसीव करती है। जीन भी उसके पीछे पीछे जाता है। उसके बाद जीन उससे पूछता है किसका फोन था। तब मैरियन उसे कुछ भी नहीं बताती, लेकिन कुछ टाइम के बाद मैरियन उसे बताती हैरी हमसे मिलने के लिए आ रहा है अपनी बेटी पेनेलोप के साथ। एक्चुअल में हैरी जीन का चाइल्डहुड फ्रेंड है, लेकिन अब जीन को हैरी से कोई भी मतलब नहीं है। असल में उसे लगता है हैरी और मैरियन का अफेयर रह चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हैरी अपनी बेटी के साथ वहां पर पहुंच जाता है और फिर उसे बताता है तुम्हारे यहाँ होने की न्यूज मुझे एक फ्रेंड ने दी थी जो उनका एक कॉमन फ्रेंड होता है। इसके बाद जीन हैरी को बिला दिखाता है। फिर ये लोग इधर उधर की बातें करते हैं। इसके बाद मैरियन हैरी से कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए कहती है और हैरी मान जाता है। इसके बाद जीन हैरी को पूल में स्विमिंग करने के लिए इनवाइट करता है। फिर जीन पेनेलोप से उसकी एज पूछता है। पेनेलोप उससे कहती है मैं 18 साल की हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं जीन और मैरियन बात कर रहे होते हैं। तब मैरियन कहती है मुझे तुम्हारा साथ पसंद है। तब जीन कहता है फिर तुमने हैरी को यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा। तब मैरियन कहती है मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा। तब जीन कहता है कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा और हैरी का अफेयर था। मैरियन कहती है तुम मुझे अपनी बातों से बोर कर रहे हो। इसके बाद ये लोग रोमांस करने लगते हैं, लेकिन जीन के दिमाग में अभी भी हैरी ही चल रहा था। अगली सुबह हैरी जीन को बताता है पेनेलोप उसकी जवानी के जोश में की गई एक भूल है। इसके बाद हैरी ब्रेकफास्ट देने के लिए मैरियन के रूम में जाता है और अपनी कंपनी के म्यूजिक को बजाकर सबको एंटरटेन करता है। इसके बाद जीन हैरी की लग्जरी कार को चलाता है और हैरी जीन को उस कार के मॉडल के बारे में बताता है। फिर हैरी और मैरियन ताश खेलने लगते हैं जिसमें मैरियन हार जाती है। फिर हैरी टाउन में अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता है। इसके बाद मैरियन जीन से कहती है मुझे पक्का भरोसा है हैरी रात को अकेला वापस नहीं आएगा। इसके बाद दोनों पूल में ही टपाटप करते हैं। काफी रात होने के बाद हैरी अपने दोस्तों को लेकर वहां पर आ जाता है। सब मिलकर पार्टी करते हैं और हैरी मैरियन के साथ डांस करता है। जीन उन्हें डांस करता हुआ देख रहा था, लेकिन हैरी की एक फ्रेंड जीन के पीछे पड़ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेनेलोप पार्टी से बोर होकर बाहर आ जाती है। जीन भी उसके पीछे आ जाता है। तब पेनेलोप जीन से पूछती है तुम्हें हैरी और मैरियन को डांस करते हुए देखकर बुरा नहीं लगता। तब जीन अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाकर कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो पेनेलोप के करीब आने लगता है। मैरियन उन दोनों को देख रही होती है। अगली सुबह मैरियन जीन से पेनेलोप के बारे में पूछती है। तब जीन कहता है वो थोड़ी अजीब है। दूसरी तरफ हैरी पेनेलोप से बात कर रहा होता है, लेकिन पेनेलोप हैरी की बातों में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। इसके बाद वहां पर जीन आ जाता है। तब हैरी जीन से पूछता है तुम मैरियन से शादी कब कर रहे हो। जीन उससे कहता है मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बाद जीन हैरी को मैरियन से शादी करने के लिए कहता है। वो सिर्फ उसकी फीलिंग्स जानना चाहता था, लेकिन हैरी कहता है मैं अब ये सब नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहता हूँ। उन दोनों की बातों से पेनेलोप समझ जाती है जीन हैरी को पसंद नहीं करता। उसके बाद मैरियन वहां पर आती है और हैरी को मार्केट चलने के लिए कहती है। जीन भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन वो हैरी के साथ चली जाती है और जीन पेनेलोप के साथ घर पर अकेला रह जाता है। फिर मैरियन हैरी को बताती है जीन अपनी पहली नॉवल के फ्लॉप होने की वजह से काफी दुखी है, लेकिन अब उसकी हेल्थ में काफी इंप्रूवमेंट आ रहा है। वो कहती है जीन को मेरी जरूरत है और अब मैं उसी के साथ रहूंगी। ये फर्स्ट टाइम था जब वो किसी आदमी के साथ इतने लंबे समय तक रह रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेनेलोप और जीन हैरी के बारे में बात कर रहे होते हैं। पेनेलोप जीन से कहती है मेरी मॉम ने सबको यही बताया था कि उसके फादर एक्सीडेंट में मर चुके हैं, लेकिन एक दिन हैरी वापस आ जाता है और फिर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। लोग मुझे हैरी की गर्लफ्रेंड समझते हैं और हैरी को भी ये सुनकर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे दिखाने के लिए वो सबको बता देता है मैं उसकी बेटी हूँ। वो जीन से कहती है मुझे हैरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हैरी ने उसे ये भी बताया है वो मैरियन से बोर हो चुका था, इसीलिए उसने तुम्हें मैरियन के पीछे लगा दिया और वो जब चाहे तब मैरियन को वापस पा सकता है। वो उसे बताती है हैरी को लगता है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है और वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं हैरी और मैरियन मार्केट से वापस आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है जीन और पेनेलोप बीच पर गए हैं। फिर हैरी और मैरियन एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी जीन और पेनेलोप भी वापस आ जाते हैं और वो दोनों लोग बहुत खुश होते हैं। हैरी और मैरियन को ये देखकर उन पर शक होने लगता है। फिर पेनेलोप अपने रूम में चली जाती है और हैरी भी उसके पीछे पीछे जाता है। कुछ टाइम बाद वापस आकर वो मैरियन से कहता है कल सुबह वो दोनों लोग चले जाएंगे। ये सुनकर जीन थोड़ा अपसेट हो जाता है। मैरियन समझ जाती है
और जीन को हैरी से मिलने के लिए कहती है। तभी जीन भी कहता है वो भी यहाँ से चला जाएगा। अब ये जगह उसे भी बोर लगने लगी है। तभी मैरियन कहती है मैं यहाँ पर अकेले क्या करूँगी। तब जीन कहता है तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा कर सकती हो। मैरियन को लगता है पेनेलोप हैरी की बेटी है, यही बात जीन को एक्साइट कर रही है। मैरियन उसे समझा कर कहती है वो गलती कर रहा है। जीन उसे कहता है आज वो ड्राइंग रूम में ही सोएगा। मैरियन कमरे में जाकर रोने लगती है और जीन रात भर बैठकर ड्रिंक करता है। आधी रात को वहां पर हैरी आता है और वो भी उसके साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। फिर उन दोनों के बीच पेनेलोप को लेकर झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में हैरी जीन को मारने के चक्कर में पूल में गिर जाता है। फिर वो बाहर निकलने में जीन की हेल्प मांगता है क्योंकि वो नशे में था, लेकिन जीन उसे बाहर निकालने की बजाय पूल में डुबोकर मार डालता है। इसके बाद उसके गीले कपड़े निकालकर साफ कपड़े पूल के पास रख देता है जिससे ऐसा लगे कि वो नहाते वक्त डूबकर मर गया और गीले कपड़े उसकी अलमारी में रख देता है। अगली सुबह हम देखते हैं जब लोग हैरी के फ्यूनरल में हैं, तभी वहां पर एक डिटेक्टिव जीन के पास आता है। वो हैरी की मौत के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। उसे डाउट होता है हैरी की मौत कोई हादसा नहीं है। फिर वो हैरी के कल रात पहने हुए कपड़ों के बारे में डिस्कस करने लगता है। वो कहता है कल रात उसने कौन से कपड़े पहने थे, लेकिन दोनों लोग उसे बताते हैं उन्हें याद नहीं है। इसके बाद वो उन दोनों को ये सिटी छोड़कर जाने से मना करता है। फिर वो मैरियन को डाउट करने के रीजन बताता है। वो कहता है हैरी ने नहाते वक्त अपनी काफी एक्सपेंसिव घड़ी पहनी हुई थी और वो घड़ी वाटरप्रूफ नहीं थी और उसके कपड़े जो रखे हुए थे उन कपड़ों पर भी कोई भी पसीने का निशान नहीं था, वो एकदम साफ कपड़े थे। वो मैरियन से कहता है मुझे जीन पर शक है क्योंकि वो कल रात को नीचे ही सोया हुआ था। इसके बाद मैरियन रूम में जाकर अलमारी चेक करती है जहां पर उसे गीले कपड़े मिल जाते हैं। इसके बाद वो जीन के पास आकर कहती है डिटेक्टिव को उस पर डाउट है। जीन ये सुनने के बाद थोड़ी टेंशन में आ जाता है और मैरियन को सब कुछ बता देता है। वो कहता है हैरी ने मुझ पर पहले अटैक किया था, फिर उस झगड़े में वो पूल में गिर गया और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद मैरियन पेनेलोप को एयरपोर्ट पर छोड़ने जाती है और फिर जीन से कहती है हम दोनों एक साथ नहीं निकलेंगे। उसे जीन पर अभी भी डाउट होता है, शायद वो उससे कुछ छुपा रहा है। मैरियन कैब बुलाने के लिए कॉल करती है लेकिन जीन कॉल कट कर देता है। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं वो दोनों विंडो के पास खड़े हुए हैं और वहीं से स्विमिंग पूल को देख रहे हैं। फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।